नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अगर हौसले बुलंद हो तो लाख मुश्किलों को मात देकर नए ख्वाब सजोए जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही मेरठ में हो रहा है, जहां के रहने वाले 11 साल के एक बच्चे का जज्बा देखते ही बनता है, जो अपने बुलंद इरादों से तमाम दुश्वारियों के बीच छाए गुमनामी के अंधेरे को मिटाकर एक नए भविष्य को गढ़ने में लगा है। जीवन एक संघर्ष है, पैदा होने से लेकर मरने तक जो ये पूरी जिंदगी होती है वो संघर्ष भरी होती है, और इस संघर्ष भरे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन बिताने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं। आज श्रेष्ठ यूपी की टीम एक ऐसे ही परिवार के बीच में पहुंची है जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी संघर्ष करने में बिता दी, लेकिन अब उस संघर्ष की एक नई उम्मीद जागी है। तो हम दिल्ली से मात्र 106 किलोमीटर दूर हैं, कंकरखेड़ा ये इलाका कहा जाता है, और इस इलाके के पास में चलता हाईवे है, और हाईवे के पास में ये कुछ यहाँ पे फैमिली हैं जिनको बंजारे भी कहा जाता है। चारों ओर घनघोर अंधेरा ही अंधेरा, घर के नाम पर महज एक टूटी टाटी आधी बनी झुग्गी झोपड़ी, और ऐसे हालात में दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए जिंदा दिली की मिसाल है मेरठ का 11 साल का ये बच्चा, जो अपने हुनर से ना सिर्फ लोहे को आकार देकर आम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को बना रहा है, बल्कि उनको बेहतर तरीके से बेचकर उन ख्वाबों को सच करने के लिए हौसला कमा रहा है, जिसके बलबूते ऐसे मुश्किल हालात में रहकर भी ये बच्चा आईएएस बनने की आशाओं के सहारे अपने जैसे तमाम लोगों की जिंदगी को संवारने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। सोहित का डेली रूटीन कुछ ऐसा ही है, दिन में पेट पालने के लिए काम करना है, और रात में स्ट्रीट लाइट या फिर आसपास की दुकानों में लगी लाइटों के सहारे वो अपना भविष्य संवार रहा है। रात का समय है और दुकान बंद होने का ही सोहित इंतजार करता है, और इस दुकान की लाइट में बैठ के वो, देखिए कैमरे की नजर से आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम की तो कहानी आपने सुनी होगी, मोमबत्ती में बैठकर वो पढ़ाई किया करते थे, और उसी मोमबत्ती की लौ में, उसी मोमबत्ती की जो रोशनी थी उसमें पढ़ते पढ़ते वो एक बड़े वैज्ञानिक बने और देश के राष्ट्रपति बने। उन्हीं की राह पर चलता एक छोटा सा बच्चा, 11 साल का ये बच्चा है सोहित। क्या वाकई पढ़ने का इतना आपको शौक है, इतनी लगन है वाकई पढ़ने की? हाँ। कितना अच्छा लगता है पढ़ना? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किसको देखा था पढ़ते हुए? जब मैं छोटा था ना, तीन या चार साल का, पाँच साल का, जब बच्चे स्कूल जाते थे तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जाऊं। ऐसे सब पढ़ पढ़ के बड़े आदमी बनते हैं, तो मैंने पढ़ लिया, मैं भी पढ़ूंगा तो मैं भी ऐसे बन जाऊंगा, मेरी भी ऐसे तारीफ होगी, बड़ा आदमी बनूंगा। क्या बनना चाहते हो, अफसर बनना चाहते हो बड़ा? आईएएस। अच्छा, आप जैसे पढ़ते हो तो किसी आईएएस अफसर को जानते हो, किसी का नाम जानते हो? आते एक अंकल आए थे, उनका नाम तो याद नहीं है, इधर ही था ना उनका। कितने घंटे पढ़ते होंगे? तीन या चार घंटे। तो आगे मार्क्स आपके जो हैं, आपकी मम्मी बता रही थी, अभी बात हो रही थी मेरी, वो कह रही थी कि कल आपके मार्क्स 10 में से 9 आए थे, तो आपको अच्छा नहीं लगा था? हाँ, अच्छा तो नहीं लगा, एक मार्क्स कट गया था। सोहित के इरादे बेहद मजबूत हैं और सपना कुछ कर गुजर जाने का है। सोहित के माता पिता भी सोहित की जमकर तारीफ करते हैं और बताते हैं कि वो कैसे कितनी मेहनत करता है। ये बताइए भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम फकीरा है। फकीरा? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान के निकले हुए हैं, राजस्थान से, चित्तौड़गढ़। हाँ, तो हमारी भाई बागड़ी लुबार खाना बदोश, हम बाबा इतना सोच रहे हैं बच्चे को पढ़ा लें, इसकी कुछ हिम्मत बन जाए, मेहनत करके इसे आगे बढ़ा दें। मैं उस बात पे भी अभी आऊँगा, पहले ज़रा मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। मेरठ में रहते हुए कितना समय आपको? भाई मेरठ में तो हमारी पूरी ज़िंदगी होगी, मुझे यहीं, मेरी पैदाइश यहाँ की है मेरठ। और इससे पहले परिवार के और कौन सदस्य यहाँ रह चुके? मेरा बाप भी यहीं रहा करा था, मेरे पापा बाबा, हम भी यहीं रहते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि पूरे दिन भट्टी में तपना, लोहे को आकार देना, तो इस तरीके का काम रहता है, क्या क्या बनाते हैं आप? हम दराती बनाते हैं, खुरपे बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, सब औजार बनाते हैं, चिमटा, फुकनी, कढ़ाई, तवे, सब बनाते हैं हम। हाँ,
अच्छा, एक जो कहानी मुझे यहाँ पे आने से पहले, मैं जिस वजह से यहाँ पे आया हूँ वो कहानी मैं अब आपसे पूछता हूँ। मुझे सुनने में आया है कि आपका बेटा है और पढ़ाई में बहुत होनहार है, वो बहुत अच्छा पढ़ता है। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम सोहित है। सोहित? अच्छा, हाँ। कौन सी क्लास में है? ये 5वीं क्लास में है। यहाँ पे रहना हो पाता है? कितने लोग हैं आप घर में? घर में हम चार, तीन लड़की है, एक लड़का और एक मेरी घरवाली, एक मैं, तो वो भैया है बड़ा। अच्छा। उसके पांच बच्चे, दो लड़की तीन लड़के, दो घर में वे मियाँ बीबी। अच्छा। मतलब हमारे परिवार है दोनों का। तो इस छोटे से छप्पर में आप सभी लोग रहते हैं? सभी रहते हैं सर। हमें क्या करा, गरीब आदमी तो रहने पड़ता, और क्या करा। अब मकान बनाने की हमारी उम्मीद नहीं है, जब क्या मकान में रहना, झोंपड़ी में रहना, क्या करा। अच्छा। है जितनी उम्मीद होगी उतनी तो आगे बढ़ाएंगे, और ना उम्मीद होगी तो बस वहाँ से ही रुकेंगे। अच्छा। चलिए अब मैं असल बात पे आता हूँ। मुझे सुनने में आया है कि जो आपका बेटा है वो पढ़ाई में इतना होनहार है कि पढ़ने की उसको इतनी लगन है कि वो यहाँ पे बैठ के या तो लैंप में या कभी मोमबत्ती में पढ़ता है, ऐसा है? है, बहुत होशियार है वैसे। अच्छा। हाँ, पढ़ने में बहुत है, सभी उसकी तारीफ करते हैं, दुकान वाले, इधर वकील साहब है, इधर मारवाड़ी, सभी तारीफ करते हैं उसकी। अच्छा। अच्छी तारीफ करते हैं कि लड़का आपका बढ़िया है, तो अपनी मेहनत करके इसे पढ़ाओ। तो हम ही तो ये सोच रहे हैं हमारी ज़िंदगी तो बेकार होगी, तो बच्चा है, एक ही लड़का है मेरे, तो ये कुछ आगे बन जाएगा तो उसमें कुछ नाम हो जाएगा हमारा, और सरकार उसके लिए कुछ सुविधा कर देगा तो अच्छा ही होगा। सोहित के माता पिता का दावा है कि उनका बेटा बहुत मेहनती है, दिन भर काम करता है फिर रात में पढ़ाई। उन्होंने बताया कि उन्हें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या काम करता है बेटा आपका, पहले तो उसके बारे में? वो सुबह जाता है स्कूल, स्कूल से वापिस आके अपने पापा के साथ मेहनत करता है, घन भी चलाता है, काम भी करता है, सारे काम करता है, फिर पढ़ाई करता है, रात की पढ़ाई करता है, मोमबत्ती सभी कर लेता है, दुकान की लाइट सभी कर लेता है, जैसे रोड पे ये दुकानें हैं ना, यहाँ बैठ कर भी पढ़ लेता है। अच्छा। हमारा ये छप्पर है, आंधी तूफान में उड़ जाता है। सरकार ने ज़मीन तो दे रखी पर उस पर मकान उकान नहीं है, ये तो आंधी तूफान में उड़ जाएगा, अब सारा जीवन भी झोंपड़ी में नहीं निकल सकता। अब उसको पढ़ाया है, उसके लिए छत तो जरूर होनी चाहिए, सरकार से बोलो हमारी कोई मदद करे। छत से भी पहले है, छत से भी पहले है उसके लिए लाइट और जो पढ़ाई की तमाम व्यवस्था है वो होनी बहुत जरूरी, जरूरी होनी है, लाइट की बहुत जरूरी होनी। ये बताइए कि जो है पढ़ाई में किस तरीके से होनहार है वो, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, और उसको पढ़ाई की इतनी ललक कैसे है? उसे शुरू से ही बचपन से ही पढ़ाई की ललक है, जब छोटा था तब बोलता था कि मम्मी मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, मेरी पढ़ने की ख्वाहिश है, मम्मी मुझको पढ़ाना, तो रोज जिद करता था, फिर मैंने उसका एडमिशन करवा दिया। प्राइवेट की तो हिम्मत नहीं थी, सरकारी में करवा दिया। क्या सपना है उससे, आपसे कभी बात होती हो तो क्या बताता है, क्या बनना चाहता है? बोलता है कि मम्मी मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, उसे लगन है बहुत पढ़ने की, उसे आते जाते आदमी भी देखते रहते हैं, वीडियो वीडियो बना के ले जाते हैं, यूँ कहते हैं देखो दुकान के आगे बच्चा बैठ कर अपने रात को पढ़ाई करता है, बेचारा मच्छर भी लगते हैं, गर्मी भी है, क्या करे। सोहित का संघर्ष जारी है और सोहित को इंतजार है बस इस दुनिया से निकलकर अपनी खुद की सपनों की दुनिया को हकीकत बनाने का। कितना समय हो गया होगा आपको ऐसे पढ़ते पढ़ते? 6 महीने से ज्यादा। लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, आपसे पूछते हैं, बातचीत होती है लोगों से? होती है। क्या कहते हैं वो सब? वो बोलते हैं घर में लाइट नहीं है। फिर कुछ कहते हैं? कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्य को वो करेंगे, सहायता। सहायता करेंगे, कहते हैं। मिली अब तक कुछ मदद कहीं से लोगों से? मिली है, लाइट की तो नहीं मिली। क्या मदद की अपील करते हैं लोगों से, क्या चाहते हैं कि आपकी किस तरीके की मदद होनी चाहिए? बस लाइट की मदद हो जाए। इस शोर में क्या परेशानी नहीं होती पढ़ने में आपको? मेरा तो माइंड इधर ही रहता है, माइंड पढ़ने में ही रहता है। बागड़े यानी लोहार कहा जाता है, लोहा पीटते हैं दिन भर और उसी लोहे से अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और बच्चा भी जो है अपने माँ बाप की जो है तकलीफ समझ रहा है, लाइटों के नीचे, दुकानों की लाइटों के नीचे बैठ के पढ़ रहा है।
एपीजे अब्दुल कलाम उनकी मोटिवेशन है सोहित की, और आईपीएस आईएएस अफसर बनना चाहता है सोहित। श्रेष्ठ यूपी आप सभी के माध्यम से ये अपील करता है कि जो भी हमारी ये स्टोरी देख रहा है, अगर हो सके तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनकी संघर्ष भरी कहानी होती है, उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, जिससे वो आगे चलकर अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बापों का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, और एक बड़ी जो मिसाल है वो कायम करें। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।